नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और सुबह का झाड़ू पोछा नाश्ता जो भी डेली का काम है वो निपटाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे छत पे। और यहाँ पे मुझे धुलने हैं कपड़े। बारिश हल्की हल्की हो रही है और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज आएगी, लेकिन क्या करें, जो काम है वो तो करने ही है। कपड़े मेरे 3-4 दिन से ऐसे ही हो रखे हैं क्योंकि आजकल हमारे चक्कर ना हॉस्पिटल के लग रहे हैं। पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बस उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। और हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना तो टाइम का ये होता है कि भाई सुबह से निकले हम शाम को भी घर आते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है। और कपड़े वगैरह मैंने धोकर अंदर ही लगा दिए हैं। बीच बीच में और काम भी होते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये छोटा सा व्लॉग जो है वो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम हो रहा है ऐसा कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। पापा जी को लेकर जैसे हॉस्पिटल जाते हैं फिर आकर घर का काम, बस उसी में ही, और थकावट भी हो जाती है पूरा दिन जब हम बाहर रहते हैं। तो बस कपड़े यहाँ पे लगा दिए हैं फिलहाल क्योंकि आज भी पापा जी को लेकर जाना है और पीछे से अगर बारिश आ गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कपड़े उठाने वाला भी नहीं है घर पे कोई क्योंकि हम दोनों चले जाएंगे और बच्चे गए हैं स्कूल। हेलो जी, नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कपड़े वगैरह धो दिए हैं, घर का जो काम है निपटा के अब मैं जा रही हूँ पापा जी के पास। तो मैं चलती हूँ, मैंने अपना काम निपटा दिया है क्योंकि अकेले थोड़ा मुश्किल होता है, कोई ना कोई आता जाता रहता है ना, तो देवरानी के साथ थोड़ी हेल्प हो जाती है अगर दो हों तो। जी चलते हैं फिर। दोपहर की सब्ज़ी वगैरह बना दिया, आटा लगा कर रख दिया है और कपड़ों का था सबसे बड़ा तो वो कपड़े धुल चुके हैं। अब चलते हैं जी नीचे। अच्छा जी फिर जा रही हूँ मैं दुकान पे, बैठना ध्यान रखना दुकान पे। दूध ले लिया है क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है ना, चाय वगैरह बनती रहती है। हाँ जी हाँ ठीक। अच्छा फिर दुकान पे बैठ जियो। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो जी पापा जी को लेकर हम फिर से निकल पड़े हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो रोज का ही काम है, डेली के डेली टेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे बारिश के कारण ना नदी में जो पानी है ना बहुत तेज हो रहा है। अभी तो फिर भी कम हो गया है लेकिन फिर से बारिश आएगी ना तो पानी बहुत तेज़ हो जाएगा और हमारे यहाँ के रास्ते भी फिर बंद हो जाते हैं। तो यही डर लगा रहता है कि भाई बारिश तेज़ ना आए। तो देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है हमारा हॉस्पिटल में, क्योंकि सुबह निकल जाते हैं कई बार रात को भी घर आते हैं। तो ये अपने हाथ में नहीं है, बारिश का भी अपने हाथ में नहीं है और हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी अपने हाथ में नहीं है। भाई जब भी फ्री होंगे तभी आएंगे क्योंकि टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं और फिर रिपोर्ट वगैरह भी लेनी होती है। तो यहाँ पे पापा जी पहले बैठे हुए थे और अब लेट गए हैं क्योंकि थकावट होती है, इन्हें ज़्यादा देर बैठते भी नहीं हैं। बुज़ुर्ग भी हैं, उम्र के कारण भी होता ही है। देखो उम्र भी हो चुकी है।
तो जी 3 घंटे हो चुके हैं हम बैठे बैठे और अभी तक पापा जी का टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी मरीज़ होते हैं। वैसे तो हमें कल ही इन्होंने डेट दे दी थी, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, अपने हाथ में नहीं है। तो जब टेस्ट होगा तभी हम घर जाएंगे। और बारिश शुरू हो चुकी है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि पूरा दिन हो गया है, भूख भी लग जाती है। तो टेस्ट वगैरह हो चुका है और अभी रिपोर्ट आने में भी 2 घंटे लगेंगे शायद, तो हमें जाते जाते रात हो ही जाएगी। पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं और अभी पता नहीं कब तक रास्ता खुलेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई और पानी भी आ गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो रात के 12 बजे तक ना यहीं पे ही फंसे रहेंगे आज तो 12-1 बजे तक। तो देखते हैं कब जाते हैं। तो हम तो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, इन्होंने ही थोड़ा सा वीडियो बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लड़के जो हैं वो पानी में जाकर देख रहे हैं कि कितना सा पानी है, कि भाई गाड़ी निकले कि नहीं निकलेगी। तो मुश्किल है क्योंकि बारिश जब पहाड़ में ऊपर की तरफ होती है तो यहाँ पे तेज पानी आता है और उसी के चक्कर में भी रास्ता बंद हो जाता है। और आज तो बोलते हैं यहाँ पे कि बहुत तेज़ बारिश हुई, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। तो इसी के कारण रास्ता बंद हो गया है। 2 नदियाँ पड़ती हैं हमारे यहाँ पे और दोनों में ही पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पे हमें बैठना पड़ेगा। फ़िलहाल तो 12 बजने वाले हैं, अभी 1.5-2 घंटा हो चुका है हमें यहीं पर खड़े खड़े, और बैठे बैठे थक भी गए हैं खड़े खड़े के। हम तो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो रात के 12 बज चुके हैं और हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं अब, और उस रास्ते में भी पानी ही पानी है। फिलहाल तो पता नहीं हम किस रास्ते से जाएंगे, फिलहाल हम यहीं पे ही फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं जी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।